हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 3 अपकमिंग बाइक के बारे में जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 2024 में लॉन्च होने वाली है। और आज जो बाइक के बारे में हम बात करने वाले हैं, सभी बाइकों का लॉन्च होना कंफर्म हो चुका है। कुछ बाइकें टेस्टिंग पे चल रही है और कुछ बाइकें ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुई है। आज के वीडियो में हम सभी बाइकों पे डिटेल में बात करने वाले कि ये बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च होगी, बाइक का प्राइस क्या होगा, बाइक में क्या कुछ फीचर देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज के वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप पे मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं। बात करें नंबर 3 वाली बाइक के बारे में तो वह है होंडा की CBR 300R। होंडा कंपनी ने इस बाइक का पेटेंट कर लिया है। ये बाइक बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आने वाली है। बात करें बाइक के फ्रंट लुक के बारे में तो बाइक में ना आपको फ्रंट में डुअल LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। अगर हम बाइक के ब्रेकिंग सेटअप का बात करें तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 286 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वोल्ट लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 30.4 bhp की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 27.1 Nm की। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अगर बाइक के रियर सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के रियर में आपको एल्युमिनियम स्विंग एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ये बाइक ना सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पे 25 से 30 km का माइलेज आराम से दे देगी। बाइक का जो कर्व वेट है वो 164 kg है। बाइक में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 Phase 2 वाला इंजन होगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च रेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 230,000 के एक्सोर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम इस बाइक के लॉन्च रेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के एंड में देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें अगली बाइक के बारे में तो वो बावर कैटेगरी की रॉयल एनफील्ड की तरफ से बावर 350 होने वाली है। दोस्तों बाइक के सबसे पहले लुक के बारे में बात करें तो बाइक का जो लुक है बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। बाइक के फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको राउंड शेप का हैलोजन हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक का जो हैंडल बार है वो आपको टॉल देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 350 cc का सिंगल सिलेंडर एयरकूल इंजन देखने को मिलेगा जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20.2 bhp की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 27 Nm की। बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों बाइक में आपको सिंगल सीट विद ऑप्शनल प्लेन सीट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात है। बाइक के सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क और बाइक के रियर में आपको डुअल रियर शॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। बाइक के टायर साइज के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलेगा और बाइक के रियर में आपको 130 सेक्शन का वाइड टायर देखने के लिए मिल जाएगा। ये बाइक सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पे 30 से 35 km का माइलेज आराम से दे देगी। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 Phase 2 वाला इंजन होगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च रेट के बारे में बात करें तो ये बाइक 1.8 लाख के एक्सोरम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम इस बाइक के लॉन्च रेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के दिसंबर में देखने के लिए। बात करेंगे सबसे पहली बाइक के बारे में तो वह बेंटली 302S। ये एक स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक होने वाली है। बात करेंगे सबसे पहले बाइक के लुक के बारे में तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें बाइक के इंजन के बारे में तो बाइक में आपको 300 cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 37 bhp की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 26 Nm की। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको 260 mm का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और बाइक के रियर में आपको 240 mm का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें बाइक के मीटर कंसोल के बारे में तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, USB चार्जिंग पोर्ट, स्टैंड अलार्म जैसे कई सारे फीचर्स। बाइक के अगर सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको इन्वर्टेड फोक सस्पेंशन और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में 16 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगा। बाइक के अगर माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 25 से 30 km का माइलेज आराम से दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पे। बाइक E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 Phase 2 वाला इंजन होगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च रेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के नवंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 3.5 लाख के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों आपको इन सभी बाइक में से कौन सी बाइक अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को